हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय मंडारी। देखिए, आईटीसी के ऊपर मैंने एक स्ट्रेटजी निकाली है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, उसको वर्कआउट किया जा सकता है। पूरा अंडरस्टैंड, पूरा समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। ओके, तो हम चलते हैं आईटीसी स्ट्रेटजी के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्टडी और विनय मंडारी, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, इसके आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, समझने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। कुछ नहीं समझ में आता है पूरा वीडियो देखने के बाद, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9699646408। सबसे पहले देखो, मैंने इसमें काफ़ी तैयारी कर ली है, अगर मैं पूरा बनाता वीडियो तो कम से कम इसमें एक घंटा चले जाता, इसलिए मैंने काफ़ी इसमें स्टडी करने के बाद पूरी तैयारी कर ली है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये आईटीसी है, आईटीसी का मैंने चार्ट निकाला है, इसके लेवल्स निकाले हैं आईटीसी के। आईटीसी मेरे को 202 रुपए के आसपास लगता है कि ये 202 से 208 के बीच में आएगा। कितना आएगा? 202 से 208 के बीच में मेरे को ऐसा लगता है कि आईटीसी इस रेंज में आ जाएगा। अभी चल रहा है 244, तो आप सोच रहे हैं तो बहुत नीचे का लेवल है। हाँ, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है कि ये 202 से 208 के बीच में आ जाए आईटीसी। ये महीने में भी आ सकता है, नेक्स्ट मंथ में भी आ सकता है, लेकिन ये महीने में ही ज़्यादा व्यू लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। और नहीं भी आ सकता है, 100% सक्सेस कोई नहीं होता है मार्केट में, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। मेहनत करी है, कोशिश करी है लेवल्स निकालने की, आप उसकी रेस्पेक्ट दे सकते हैं, समझ सकते हैं तो समझिएगा, नहीं समझ सकते तो कोई बात नहीं, अब जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा। 202 से 208 के आसपास आ सकता है। तो लेकिन अब इसमें फ्यूचर शॉर्ट कर देंगे, बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा, 2400 का लॉट है, 10 रुपये भी ऊपर अगर आपके अगेंस्ट हो गया तो 24000 रुपये का लॉस हो जाएगा। ओके, लेकिन 24000 के प्रॉफिट के लिए नहीं रुक पाते हैं आप, लॉस के लिए लेकिन रुक सकते हैं। इसलिए क्या है, आप मैं जो स्ट्रेटजी बनाऊंगा वो स्ट्रेटजी को समझिए, अपने एडवाइजर से राय लीजिए, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके लेवल्स निकालने की कोशिश करी आईटीसी के, कि ये 202 से 208 के आसपास आ सकता है, और 180 के नीचे नहीं जाएगा। ये भी है, कितना, 180 के नीचे नहीं जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स ये 202 से 208 के आसपास आ सकता है। तो अब मुझे इसमें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, देखिए इसकी ऑप्शन चेन में जाके पूरे मैंने सब रेट्स निकाल लिए, कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है, क्या करना है। तो मैं डायरेक्ट आपको स्ट्रेटजी पे लेके चलता हूँ फिर, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप वैसे भी देखते नहीं है, आपका टाइम नहीं रहता है देखने का, स्टडी करने का आपके पास टाइम नहीं रहता है, अंधाधुन काम करने का ज़्यादा टाइम रहता है, इसलिए मैं आपको बहुत शॉर्टकट में लेके जा रहा हूँ, मेन मेन पॉइंट मैं निकाल दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। हमें आईटीसी में क्या करना है, हमने आईटीसी का फ्यूचर एक शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, आईटीसी ये मैंने फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, आईटीसी का ये मैंने एक क्वेश्चन डाली, इससे फ्यूचर शॉर्ट हो गया। देखो आईटीसी का क्लोजिंग आया है 244.5, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो हो जाता है, ये देखो नीचे यहां पर 244.5 आ रहा है 244.5, तो ये रेट पे मैंने फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, मीन्स 100 रुपए का कॉल मैंने 144 रुपए 50 पैसे में बेच दिया। यही होता है ना, आईटीसी का फ्यूचर शॉर्ट करूं या 100 रुपए का कॉल 144 रुपए 50 पैसे में बेचूं, बात एक ही है। तो अब देख लीजिए, 144.50 में बेचा है, 4.5 रुपए नीचे आया तो 4.5 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। यहां पर आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर ये शॉर्ट हो गया है अपना, आ रहा समझ में, यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट हो गया। अब लेकिन फ्यूचर नेकेट शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर मानो यहाँ से ऊपर चलेगा 270 चलेगा तो अपना 25 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, 61,000-62,000 रुपए के आसपास का, 61,000 रुपए के आसपास का हमें लॉस हो जाएगा नेकेट, क्योंकि मैंने क्या बताया, 100% सही कोई नहीं होता है बाजार में, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको पोजिशन संभाल के काम करना है, कम रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, दूसरा 230 का कॉल मैं बाय करूंगा, जिसका रेट है 15.55। आप इसे देख लीजिएगा, ये सारी डिटेल आपको एनएससी की साइट से मिल जाएगी। ओके,
अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक 240 का पुट 3.1, पुट एक मैं बाय करूंगा 240 का। आप देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। कॉल मैंने फ्यूचर बेचा, 230 का कॉल बाय करा 15.55 में, और 240 का पुट लिया कितने में, 3.1 में, और 235 का पुट में बेचूंगा 1.6 में। क्या करूंगा, पुट एक सेल करूंगा, इसके साथ में क्या बाय करूंगा, 230 का पुट एक, ₹1.95 चल रहा है, ₹1 कट रहा हूँ मुझसे, ₹1 में बाय करूंगा। बस इतना ही मेरे को काम करना है, ये पोजीशन मेरे को बनानी है। बस इतनी सी पोजीशन बनाने के बाद क्या होता है, मेरा जो प्रॉफिट शुरू होगा वो होगा 235 से शुरू। कहां से शुरू होगा, 235 से। 235 के नीचे अगर ये जाता तो मेरे को प्रॉफिट होता है, और मेरा जो मैक्सिमम लॉस होता है वो कितना होता है, वो होता है ₹240 में। मैक्सिमम लॉस है 3.55 पॉइंट्स का, मींस 8,500 रुपए का, ये मेरा मैक्सिमम लॉस रहेगा। अब आ जाते हैं प्रॉफिट की साइड में। मैंने क्या बोला, मेरे को लगता है 202 से 208 के आसपास आ सकता है, 100% सही नहीं हो, चलो 220 के आसपास भी आया तो 220 के आसपास देख लेते हैं कि क्या इसमें हमारे को प्रॉफिट होता है। 220 पे ये हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमें 235 के नीचे ही मिलना शुरू हो जाएगा। 220 पे हमें 21.45 का प्रॉफिट होता है, और जो जैसे हमारा लेवल है 202 से 208 के बीच में, सपोज 205 आ गया तो हमारे को 1,23,000 का प्रॉफिट होता है, जो लेवल है हमारा 202 से 208 के बीच में, 205 पकड़ा, 205 के आसपास आ जाता है अगर ये, तो हमारे को 1,23,000 का प्रॉफिट इसमें हो सकता है। ओके, तो ये मेरा व्यू है। केवल मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप काम करो, आपको जो भी काम करना है अपने एडवाइजर से राय लेके करिए, मेरा केवल एजुकेशन पर्पस के हिसाब से है। मेरे लेवल्स में, मेरे चार्ट में मेरे को ये लगता है कि शॉर्ट है, मेरी जो थोड़ा सा स्टडी है उसमें लगता है कि खराब हो जाएगा, 200 से 208 के आसपास आ जाएगा, इसलिए मैंने ये स्टडी आपके लिए बनाई है। आप देखिए, इसे समझने की कोशिश करिए। मैक्सिमम लॉस है 3.55 पॉइंट्स का, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका जैसे मैंने बोला 180 का स्टॉप लॉस है इसका, 180 के नीचे ये नहीं आएगा, तो 180 आता है तो आपको तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर ये यही पोजीशन है तो आपका करीब आपको 100 पॉइंट्स मिल जाता है, 2,44,000 मिल जाता है, लेकिन ये इस लेवल पे आना चाहिए, आएगा ही आएगा, नहीं बोल रहा हूँ, आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, मेरे को ऐसा लगता है। ओके, वैसे भी 235 के नीचे गया तो आपको प्रॉफिट तो स्टार्ट हो ही जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा हमारी मेहनत पसंद आ रही है कि हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, आपको थोड़ा समझने को आए, जितने भी हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं उन सबको समझ में आए कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं, जितने हमारे टेलीग्राम चैनल्स के मेंबर हैं, यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं, सबको समझ में आए कि किस तरह से काम किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। मैंने आपको क्या बताया, ITC खराब लग रहा है, लेकिन आप फ्यूचर शॉर्ट करके काम करेंगे तो आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है, ये बात ध्यान करिए। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप बनाते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो जरूर कर दिया करिए यार, थैंक यू।